ये बंगले के पेपर, ये बंगले की चाबी, आज से बंगला आपका हुआ। यार शूटिंग कर सकते हैं? ओके ओके, कैन आई हैव योर अटेंशन? तो आप लोग क्या लेंगे, चाय ठंडा या कॉफी? क्या बात है, चाय और ठंडा? शी इज डेफिनेटली गॉन मैड। अच्छा ओके 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 ओके, दूध और लस्सी भी है? हम लस्सी वस्सी नहीं पीते जी। तो फिर खाना लगवा दे। समझा करो, जानम समझा करो। आशा भोसले वाला गाना, दिस फैबुलस। हे नाउ दिस इज एनफ, ओके? यू रियली टेस्टिंग आवर पेशेंस। कमऑन बुलशिट यार, तुम दारू पिलाओ ना। ओ दारू, ये बताना था ना, मुझे क्या पता कि तुम लोगों को दारू चाहिए। ओके ओके, दारू इज कमिंग। एब्राकाडाब्रा। तुम कल फ्री हो? नो, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बहुत महंगा हूँ। समझी? Come on, this is not fair. तुमको हीरोइन किसने बनाया भाई? अभी स्टार बनने चली हो, अभी तो नई नई हीरोइन बनी है, मुझसे पूछ रही है मैं फ्री हूँ। भैया तुमको बनाया किसने स्टार? हाँ, तुमको चांस किसने दिया बताओ मुझे? Excuse me, Mr. Siddharth. Sorry to be blunt, हाँ? लेकिन अगर आप फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं तो मैं ड्रामा स्कूल से। एक मिनट, डोंट टच मी, आई एम टॉकिंग टू हिम, ओके? हर एक्टर को एक ब्रेक चाहिए होता है टू बिकम अ स्टार, हाँ? One break, huh? You look at me. You don't think I'm star material, huh? One break. We are all looking for breaks, and man, you can't take the credit, okay? I didn't mean it that way. I'm sorry. I mean it's. No. I know what you meant. I know what you all mean, okay? No, Harsh. Siddharth का ये कहने का मतलब नहीं था. I am embarrassing you, right? No, you're not. I'm sorry. No. I'm sorry. Everybody, I am sorry. Hush, okay? Relax. Sorry. I am sorry. Hush, okay? Relax. Sorry. क्या बात है? हर्ष इतना excited क्यों लग रहा था? पता नहीं दिव्या, हर्ष को बीच-बीच में क्या हो जाता है? Are you okay? No, that it happened. It's okay. Sorry. Excuse me. किससे बात कर रहे थे? ऐसे ही। चारू से ना? What do you mean चारू से? Why are you women all so suspicious, okay? Harsh, I'm not suspicious. क्या बात है? तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मेरा घर बन गया है? You see, that is the point. मेरा घर हो गया, हाँ? मेरा घर। तुमने कभी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि हमारा कुछ है, that we, you and me are together. Don't be unfair, Harsh. मैंने कभी अपनी ज़िंदगी को तुम्हारी ज़िंदगी से अलग नहीं समझा. You know it. I know nothing. I don't know anything. मैं जानता हूँ कि मुझे वो काम नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ. Just getting lost every day. Don't worry, Harsh. Everything will be okay. इतनी जल्दी टूट मत जाना, please. ये बहुत लंबा खेल है. तो अभी शुरुआत हुई है, तुम देखना आगे आगे तुम्हें काम ही काम मिलता जाएगा. Really, you will. Are you okay? Hello? Yes? Yes? You're calling from? God,
for me, Hollywood. Varsha, it's for you. For me? किसे मिला? जीजी, जानी, किशोर, काम कैसे? फोन क्यों नहीं हुआ? चिट्ठी तो भेज देते। गंगा, सामान कमरे में रख देना। कैसा लगा मेरा घर? आओ ना, बैठो यहाँ पर। चलिए बैठो। जीजी, मैं तो चिट्ठी लिखने ही वाला था नए पते पर। पर झल्ली ने बोला भैया रहने दो, अगर जिज्जी ने मकान नहीं लिया तो उन्हें चिट्ठी मिलेगी कैसे? झल्ली की झल्ली, मैंने तो 15 दिन पहले ही टोकन दे दिया था। टोकन? ए झल्ली, तू नहीं समझेगी। आह, जैसे तू बड़ा समझ गया। अरे जिज्जी, मेरी बात तो छोड़ो, अब हमारी झल्ली ने तो जिंदगी में पहली बार शाहजहांपुर के बाहर कदम रखा है। अब बम्बई स्टेशन आते इतनी भयंकर अंग्रेजी में कुली से बात की कि वो अपनी भाषा भूल कर हमारी झल्ली को ताकता ही रहेगा। मैंने उस आदमी से पूछा, एज एट बॉम्बे ऑफ द इंडिया गेट। डोंट वरी झल्ली, मैंने जब ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया था ना, मैं भी कुछ ऐसे ही बोलती थी। अच्छा, क्या लोगे? चाय, कॉफी या पानी? बोलो। कुछ भी। चाय? चाय? अच्छा, गंगा दो चाय लाना, पटकन घ्यूने माला सुधा। चिची? हाँ, यहाँ की भाषा है मराठी। ये घर सचमुच तुम्हारा है? तुम्हारा नहीं, हमारा। हाँ हाँ हर्ष, यू आर द राइट चॉइस, आई मीन इट। भाई मैं तुम्हें क्यों खुश करूंगी, आफ्टर ऑल मैं प्रोड्यूसर हूँ, और वैसे भी तुम इस रोल में बहुत सूट करोगे, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आँखें। हाँ हाँ, बस तुम यहाँ आ जाओ, बाकी बातें हम यहीं पे कर लेंगे। ओहो हर्ष, डोंट वरी अबाउट द फाइनेंस, मेरे कॉन्टैक्ट बहुत मजबूत हैं। हाँ बस तुम यहाँ आ जाओ, बाकी बातें यहीं करेंगे। ओके, बाय, सी यू। अरे वाह जनम, हम तो कुर्बान हो गए आप पे। आपने किस अदा से उस दो कौड़ी के हीरो से बात की है, वाह वाह वाह। देखो मोहम्मद अली साहब, इस प्रोजेक्ट में मुझे आपके साथ की जरूरत है। और देखिए ना, हमें ऐसा हीरो चाहिए जो थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश हो और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता हो। चारुषी उसे पुश कर रही है, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो हम 40 दिन में अपनी आउटडोर की शूटिंग पूरी कर लेंगे। और प्रॉफिट ऑन द टेबल। देखो जानम, ये आंकड़ों की बात तो आप समझो, हम तो आपके गुलाम हैं। जाइए, आप तो मेरी उम्र का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे कसम खुदा की, आपके अंदर अभी भी वही अदाएं, वही शौकियां, वही हुस्न। मैं उस हीरो से निपट के आती हूँ। आइए आइए आइए। नमस्कार। हाँ ये हर्ष जी, वेलकम वेलकम। मैडम प्लीज, मुझे सिर्फ हर्ष ही कहिए। ओके आइए, आप क्या लेंगे, ठंडा गरम? नहीं कुछ नहीं। कोई ड्रिंक? नहीं नहीं, थैंक यू। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू। देखो हर्ष, मैं ना नहीं सुनूंगी। हाँ, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और तुम आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू मैडम, वैसे मुझे भी अच्छे काम की तलाश है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें और काम की तलाश है? आई डोंट बिलीव इट, काम तो तुम्हें ढूंढ रहा है। ये लो हर्ष, ये
फेवरेट है। और ये रहा आपका साइनिंग अमाउंट, शूटिंग हम अगले महीने। थैंक यू। इट्स ओके, इट्स माय प्लेजर। यस। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, थक जाओगी। जिज्जी अच्छा जाती ना हमारी जल्दी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो जीजा जी, हाउ डू यू डू? पहचाना मुझे? आई डोंट थिंक दिस इज अ टफ जॉब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप हैं सुश्री छल्ली उर्फ गौरी शर्मा। और आप हैं किशोर, लेकिन खंडवा वाले सिंगर किशोर कुमार नहीं, बल्कि शाहजहांपुर के पंखों के डॉक्टर। पता है जब तुम्हारी जीजी पहली बार ड्रामा स्कूल आई थी ना, तो शहर की हर नई जगह को देखकर कहती थी फैंटास्टिक। अच्छा जीजा जी, आपकी शूटिंग कहाँ चल रही है अभी? क्यों, आपको भी हीरोइन बनना है क्या? अरे नहीं जीजा जी, जीजी जैसी हिम्मत तो हमारे घर में किसी में भी नहीं है। जीजा जी, आप जब जीजी से मिले थे तब कितने दिनों में आपसे उनकी दोस्ती हो गई थी? 3 महीने तक तो हमारा इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ। उसके बाद जब दोस्ती हुई तो तुम्हारी जीजी सलवार कमीज पहनती थी। हाँ, और पता है उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे। समझा कीजिए ना मंगा जी, इस हफ्ते कुछ नहीं हो सकता, मैडम बहुत बिजी है। आप एक काम करिए, मुझे मंडे को फोन कर लीजिएगा। अच्छा चंगा, मंगा जी नमस्ते। आप लोगों ने चाय कॉफी ली कि नहीं? जी हाँ ली। प्रेमी जी, 4 महीने से मैं कितनी दौड़ भाग कर रहा हूं ये मैं ही जानता हूं, तब जाकर कहीं ये फाइनेंसर हाथ लगे। और अब भी अगर पिक्चर कंप्लीट नहीं होती है तो समुद्र में डूबने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। राणा जी, आपकी पिक्चर शान से पूरी होगी और आप समंदर से तैरकर बाहर भी आ जाएंगे और शान से रिलीज करेंगे। प्रेमी जी, आप तो जानते हैं मेरा गाड़ी बंगला ऑफिस सब गिरवी पड़े हैं, और पिक्चर रिलीज नहीं होती है तो मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा, बस अब आप ही का सहारा है। जल्दी दे बस। सब ठीक हो जाएगा राणा जी, गणपति बापा सब देख रहा है। जय हो गणपति बापा। वर्षा सिंह जैसे प्रोड्यूसरों की स्टार है, वैसे प्रोड्यूसरों की आप सेक्रेटरी हैं। अरे हम तो एक ही नाव के यात्री हैं। आप मेरी पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, है? अगर मैंने एक प्रोड्यूसर पी की भी हाई ली होती तो क्या आज मैं इस पोजीशन पर होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैडम सो रही हैं क्या? आपका मतलब मैं वहां होता? ये मैं मतलब नहीं था मेरा। अरे वर्षा जी तो सुबह 6 बजे जॉगिंग पर चली जाती है और रात को 1 बजे तक तो रिटायर नहीं हो पाती है। अर्ली टू राइज का नियम उनका अटल है। वो दूसरी हीरोइनों जैसे नहीं है कि आज ये डिस्को तो कल उसको लेकर खिसको, समझे? बहुत ही डेडिकेटेड है। हाँ। आपने मेरी प्रॉब्लम उनको समझा दी है? हाँ समझा दी है, रास्ता निकल आएगा। प्रेमी जी। ओहो मीरा जी, आइए आइए, वेलकम। एडिटिंग खत्म हो गई? कब की, बस आखिरी शेड्यूल है। हेलो मीरा दीदी। हाय, कब आए आप? हाउ आर यू? बस अभी आए। दीदी के रूम में जाके बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? चलो। संसार का नियम भी अजब है राणा जी, यहाँ नायक होता है तो खलनायक भी होता है, यहाँ सिनेमा है तो आर्ट सिनेमा भी है, यहाँ पत्तियां चबाने वाला हिरन है तो हमारा खून पीने वाला खटमल भी है। आप कितना भी सिक्योरिटी चेक बिठा दो लेकिन वो रेंगता हुआ अंदर चला जाएगा और हमारे मलाई जैसे खून पर डंक मारेगा, खटाक। कहीं आपका मतलब मुझसे तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। Come in. मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह मैं तो आ ही गया हूँ। वर्षा जी, जी? वो घुंघरू वाली कहाँ गई? घुंघरू वाली? मेरा मतलब वो घुंघराले बाल वाली, मैं क्या नाम? मीरा। हाँ मीरा। बाथरूम में फ्रेश हो रही है। है? लगता है एडिटिंग रूम से सीधी आ गई है। वर्षा जी ये ठीक नहीं है। क्या हुआ प्रेमी जी? आपने 8 फिल्म के डायरेक्टरों को इतना सर पर चढ़ा के रखा है कि जब चाहा दिल चाहा सर उठा के धन धनाते हुए चले आते हैं, आपके बाजू में बैठते हैं, आपकी बराबरी करते हैं,
ना आपको वर्षा जी बोलते हैं, ना मैडम बोलते हैं, और बोलते हैं तो क्या यार, डियर। अरे हमारा खाते हैं, हमारी विस्की पीते हैं, और वो बस में चलने वालों को हमारी गाड़ियां घर तक छोड़कर आती है। वर्षा जी, सिल्वर सैंड में 8 फिल्म वालों के लिए लंगर नहीं खोला है। प्रेमी जी, ये मेरे दोस्त हैं। अरे बादशाह की दोस्ती बादशाह से होती है, प्यादों से नहीं। ऐसी दोस्ती हमारी कमर्शियल फिल्म के डायरेक्टरों के साथ क्यों नहीं है? कॉमन बैकग्राउंड और वेवलेंथ का फर्क है। मेरी थिएटर की ट्रेनिंग है और उनकी सिनेमा की। करीम जी पिछले 10 साल से असिस्टेंट गिरी कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं है? हाँ, वो भी ट्रेनिंग ही है, लेकिन एक एटीट्यूड का फर्क होता है। वो लोग अलग ढंग से सोचते हैं। सिनेमा में सोचने का ढंग एक ही होता है या होना चाहिए, बॉक्स ऑफिस। आप मेरी बात मानिए, राणा जी की पिक्चर को रिफ्यूज मत कीजिए। प्रेमी जी, 5 पिक्चरें फ्लोर पर हैं, टाइम कहाँ है? अरे लोग 12-12 पिक्चरें करते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। वो पहला शेड्यूल अभी चाहते हैं, आप डेट्स कहाँ से देंगे? चंद्रग्रहण की डेट उन्हें दे देते। और मीरा, वो क्या करेगी? मीरा वेट कर लेगी। और वो कौन सी बड़ी खेत की मूली है मीरा पटवर्धन, है? वो वेट कर सकती है। और वैसे भी हमें इस 8 फिल्म से जो पैसा मिलता है उसका पेट्रोल का भी पैसा निकल जाए तो गनीमत है। उसकी पिक्चर में काम करना मेरी आत्मा का पेट्रोल है प्रेमी जी। आपको 8 फिल्म की चिंता है, कमर्शियल फिल्म की नहीं। देखिए प्रेमी जी, 8 फिल्म में काम करना मेरे लिए एक ऐसी चुनौती है जैसे कि मैं दारा सिंह के साथ फाइट कर रही हूँ। और कमर्शियल फिल्म में मुझे उतना ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जैसे कि मैं 2 साल के बच्चे के साथ फाइट करी। दारा सिंह के साथ कुश्ती में हारने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसका 1% भी मीरा दे सकती है। रेमी जी, आपका पैमाना सिर्फ पैसा ही है। वर्षा जी, आपका पैमाना सिर्फ आत्मा का पेट्रोल ही है। हाँ, गई भैंस पानी में। व्हाट?